नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। होना भी चाहिए। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे सब परिवार। यही उम्मीद है, यही दुआ है कुदरत से, और इन्हीं दुआओं के साथ शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियोस की। आज जो उपाय दोस्तों मैं बताने के लिए जा रही हूँ आपको, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। यदि आपका घर उजड़ रहा है, आपके पति, आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चले गए हैं, आपके प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपको छोड़ करके चले गए हैं, आपका घर उजड़ रहा है या आपका घर बस नहीं रहा है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये उपाय सातवीं नवरात्रि को ही करना है। सातवीं नवरात्रि काल रात्रि का रूप है, माँ दुर्गा का काल रात्रि रूप होता है। इस दिन जो भी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के आप जो भी क्रियाएं करेंगे, जो भी क्रियाएं आप करेंगे दोस्तों, उसका बहुत ही जबरदस्त फल देखने के लिए मिलता है, बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं दोस्तों आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब, कहां, किसका भला हो जाए, ठीक है, तो शेयर अवश्य ही करें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी वीडियो की। दोस्तों सातवां दिन से काल रात्रि का ये जो रूप है बहुत ही पावरफुल रूप है। इस दिन मैं आपको यूँ भी बता दूं कि ये उपाय तो आप कर ही करें, लेकिन इस दिन यदि आप माता रानी के आगे गुड़ रखते हैं प्रसाद में, जो भी आप घर में सेवा पूजा कर रहे हैं माता रानी की, और जो भी आप नैवेद्य माता रानी को चढ़ा रहे हैं, वो तो चढ़ाइए ही चढ़ाइए, लेकिन थोड़ा सा गुड़ अवश्य ही चढ़ाना। और वो गुड़ दोस्तों आप कोई भी जो निराश्रित हो उन्हें दान में दें। जिसके शरीर में कोई तकलीफ है, जिसे जो दिव्यांग है उन्हें दान में दें। आपके घर में दोस्तों धन और ऐश्वर्य भर जाएगा। इस दिन गुड़ से किया गया कोई भी उपाय बहुत ही जबरदस्त असर करता है, बहुत ही जबरदस्त असर करता है, ठीक है। तो आपको यही करना है आज के दिन। आपको दोस्तों लेनी है मिट्टी। क्या करना है आपको? लेनी है मिट्टी, और उस मिट्टी में आपको मिला लेना है गुड़। क्या करना है? मिट्टी लेनी है और मिट्टी में आपको गुड़ मिलाना है, और उस मिट्टी के दोस्तों आपको दो पुतले बनाने हैं। मिट्टी के आपको दो पुतले बनाने हैं। सातवीं नवरात्रि को करना है आपको ये क्रिया। दो पुतले बनाए, एक पुतला आपका होना चाहिए और दूसरा पुतला सामने वाले व्यक्ति का, जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बता दूं दोस्तों, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए या किसी का मिसयूज करने के लिए आप ऐसी क्रियाएं बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आप पाप में पड़ेंगे। जो क्रियाएं शुद्ध है, सात्विक है, वो तो काम करेंगी ही नहीं। यदि आपका उद्देश्य गलत है तो क्रियाएं यूं भी काम नहीं करेंगी, और यदि कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है तो आप पाप में पड़ते हैं। इसलिए मेहरबानी करके सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसी क्रियाएं बिल्कुल भी मत करना। यदि आपको अपना घर बसाना है तो ही करें, यदि आपका घर उजड़ रहा है तो आप इस क्रिया को करें, ठीक है। तो आपको दो पुतले बनाने हैं, एक पुतला आपका अपना होना चाहिए, दूसरा पुतला होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति का। दोनों ही पुतले में, एक में आपको अपना नाम लिखना है, एक में आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखना है। जो पुतला लेडीज के लिए बना रहे हैं उसमें आपको ब्लू कलर की बिंदी लगानी है, बराबर, ब्लू कलर की बिंदी लगा देनी है। जो पुतला जेंट्स का, उसमें आपको सिंदूर लगा देना है, पुतले में आपको सिंदूर छांट देना है। पुतले की नाभि में
आपको दो लौंग लगा देनी है, दोनों ही पुतले की नाभि में दो दो लौंग, फूल वाली लौंगे आपको लगा देनी है। जो पुतला लेडीज का हो, मैं फिर से बता दूं, उसमें आपको ब्लू कलर की बिंदी भी लगानी है। पुतला आपको किस चीज का बनाना है? मिट्टी और गुड़, दोनों चीज को बराबर मिला लेना है, मिला करके आपको ये पुतला बना लेना है। पुतले में आपको एक पुतले में अपना नाम लिखना है, एक में आपको सामने वाले का नाम लिखना है। नाम आप रेड कलर की स्याही से लिखते हैं। लेडीज के पुतले में जो महिला के लिए बनाया हुआ है उसमें ब्लू बिंदी लगाए, और जो जेंट्स के लिए हो उसमें आपको सिंदूर छाट देना है। नाभि में आपको दो दो लौंग लगा देनी है, बराबर। उसके बाद दोनों पुतले को सीधी दिशा में, उल्टी दिशा में नहीं, सीधी दिशा में आपको मिला देना है, और उसको आपको ब्लू धागे से लपेट देना है। ब्लू धागे से ऐसे लपेटना है दोनों पुतले का, पुतले को, कि उसका कोई भी हिस्सा बाहर से दिखाई ना दे। इस तरीके से कंप्लीट उस पुतले को आपको ब्लू कपड़े से लपेट देना है। इस दिन ब्लू कपड़े का बहुत ही महत्व है। ब्लू धागे से ही आपको दोनों पुतले लपेट देने हैं, मतलब दोनों पुतले को इकट्ठा करके आपको लपेट देना है। और उसके बाद उस पुतले को आप अपने राइट हैंड में लेकर के बैठे, पुतले की तरफ देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो काल रात्रिये अमुकम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो काल रात्रिये अमुकम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुकम की जगह आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम बोलना है, बराबर। ये मंत्र आप 108 बार बोले, 108 बार बोल लिया मतलब कि उस मंत्र की उस पर इफेक्ट हो गई। मंत्र बोलने के बाद आपको 7 बार उस पर फूंक मार देनी है। क्या करना है? 7 बार उस पर फूंक मार देनी है, और इस पुतले को आपको बरगद के पेड़ के नीचे जा करके गाड़ देना है। क्या करना है? बरगद के पेड़ के नीचे जा करके गाड़ देना है। दोपहर के समय आप इस क्रिया को मत करना, या तो सुबह कर लेना या फिर शाम को करना, ठीक है। बहुत ही पावरफुल चीज है, और मैं फिर से बता दूं दोस्तों, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मत करना। इस क्रिया को करने से पहले अपने गुरु जी का ध्यान अवश्य ही करना। जिनके गुरु नहीं है वो बोले ओम श्री गुरुवे नमः, या उस मंत्र को बोले जो आपके गुरु ने आपको दिया है। अपने कुल देवी का एक दीपक अवश्य ही जलाएं, अपने इष्ट देव को अवश्य ही याद करें, उसके बाद ही आप इस क्रिया को करें, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूं, गलत इरादे से कभी भी किसी का भी वशीकरण बिल्कुल भी ना करें, तो करते रहें दोस्तों। और मैं फिर से बता दूं, यदि कोई भी चीज ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो प्लीज पहले पूछे, अवश्य पूछ कर समझ कर तभी करना, तो ही उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। करते रहें दोस्तों, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।